हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आप सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो बिहार में अभी आयोजित होने वाली बिहार पुलिस कांस्टेबल और उसके बाद सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होगी उससे संबंधित है प्रश्न। इसके अलावा बीएससी इंटर स्तरीय परीक्षा, उसके बाद आप झारखंड SSC, MPSI और भी बहुत सारे एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, प्रश्न दोस्तों इन्हीं में से आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया है? तो 1972 ईस्वी में किया गया है। दूसरा है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया? 1948 ईस्वी में। तीसरा है, आयात निर्यात बैंक जिसे एग्जिम बैंक भी कहा जाता है, की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया है। चौथा है, कांच में से गुजरने वाला प्रकाश का बैंगनी रंग, जो बैंगनी रंग है कि गति कैसी होती है? तो गति जो होती है दोस्तों, बैंगनी रंग की गति जो होती है धीमी होती है, ठीक है। पांचवा है, मिट्टी में कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना है। छठा है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,713 किलोमीटर है ये दोस्तों। उसके बाद सातवा है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है? तो नहवा सेवा, ये पुराना नाम है, जबकि नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये मुंबई में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त थे। पारा का अयस्क का नाम क्या है? तो ये सिनेबार है अयस्क पारा का। अबे दोस्तों, 10 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो गांधी जी ने दिया। 11 नंबर में है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? तो 1912 ईस्वी बनी है। 12 नंबर में है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो उत्तर है, गंग वंश के शासकों ने। 13वां है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद 14वां है, जुड़वा शहर किसे कहते हैं? कौन दो शहरों को? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है। 15वां है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? तो पृथ्वी है। 16वां है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यानी कि SO2 तथा NO2। 17 है, हजामती दर्पण में किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 18वां है, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों 19वां है, तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर है।